नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द व्यंजन में। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए एक स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी, गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू जो हैं हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और पाचन तंत्र को भी ठीक रखते हैं। रोज़ एक गोंद का लड्डू खाने से आप एनर्जी से भरपूर बने रहते हैं। गुड़ भी सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन दोनों से जो लड्डू बनते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और साथ ही फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाते हैं हम गोंद के लड्डू। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें करीब 2-3 चम्मच ये तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, जिन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बस इन्हें ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा गुलाबी कर देना है। ये चटकने लगे बस इन्हें निकाल लेना है। तो देखिए अब ये हमारे तिल जो हैं गुलाबी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो ये करीब 8-10 चम्मच छोटे चम्मच घी है। तो बस हम इसी से सारा कुछ तलेंगे। तो हमने ये 50 ग्राम गोंद लिया है गोंद के लड्डू बनाने के लिए। तो हम आपको सामान की क्वांटिटी भी बताते रहेंगे साथ में। 50 ग्राम हमने गोंद लिया है, तो जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसको इसमें तलेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है और इस तरह की कोई छन्नी हो तो आप, ये छोटी छन्नी हो बड़ी छन्नी हो जैसे भी हो, इस तरह की कोई छन्नी हो तो उससे तलिएगा तो बहुत आसानी से आप जैसे निकाल भी सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा गोंद हम डालेंगे इस तरह से, ये देखिएगा। अभी गैस को हम धीमा कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा फूल के बड़ा होने में टाइम लगता है, तो इस तरह हिलाते रहेंगे और धीरे धीरे हम अपना ये गोंद, देखिए हमारा गोंद एकदम फूल के ऊपर आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए धीमी गैस पे करना है, इसे तलना है और धीरे धीरे हम तलेंगे। तो देखिए बिल्कुल एकदम जैसे लावा होता है, पॉपकॉर्न होता है, बस बिल्कुल वैसे ही ये बन जाएगा। तो इसको तलने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीमी आंच पे करना है, धीरे धीरे ये फूल जाएगा, ये देखिए। और छन्नी में करने से क्या होगा कि इसे आप आसानी से ऐसे बाहर कर सकते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और तलने देते हैं, एक दो अभी इसमें है, ये देखिए ये भी थोड़ा सा अभी फूल के और हो जाएंगे अच्छे से। थोड़े थोड़े हम डालेंगे, देखिए बिल्कुल कैसे फूल के एकदम लावे की तरह हो गए। तो ऐसे हम सारे अपने तल लेते हैं। अब सेम उसी में हम डालेंगे काजू, ये भी 50 ग्राम है। तो काजू को भी हम ऐसे ही तल लेंगे। तो देखिए काजू भी तल गए हमारे। बादाम, ये भी 50 ग्राम है, तो इन्हें भी तल लेंगे। और ये किशमिश, ये भी 50 ग्राम। तो बस हल्का हल्का डालते हुए हमें घी से निकालना है इनको, ये देखिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, बस फटाक से हमें घी में डालना है और इसे निकालना है। किशमिश भी हो गई, करी हमने छोटे छोटे पीस में कट करी है, आप लंबे या जैसे मन चाहे आकार में कट कर सकते हैं। ये भी 50 ग्राम ही है। तो थोड़ा सा इसे भी हम रोस्ट कर देंगे घी में, तो ज़्यादा लाल नहीं करना है नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। और अब ये जो हमने आटा निकाल के रखा है, वजन में करीब 250 ग्राम आटा है, तो इसी में घी में हम अच्छे से इसे धीमी आंच पे भुनेंगे। और पूरा घी, ये जो हमारा आटा है पूरा घी सोख लेगा और इसे धीमी आंच पे हमें भुनना है। खूब अच्छे से खुशबू देने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, बस हमें वहीं तक भुनना है इसे। धीमी आंच पे भुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों आटा हमने धीमी धीमी आंच पर भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो इसे हम साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह तले थे सारे सब ठंडे हो चुके हैं। मैंने ये बादाम भी कट कर लिया है, काजू भी कट कर लिया है और ये देखिए मैंने जो गोंद है इस गोंद को भी मैंने पन्नी में डाल के हल्का सा कूट दिया है, मतलब कि जो फूला फूला अच्छे से लावे की तरह था पॉपकॉर्न की तरह, तो हमने इसे फोड़ दिया है। और कुछ कुछ जो हमने छोड़ रखे हैं ऐसे ही साबुत में, ताकि थोड़ा सा देखने में खाने में अच्छा टेस्ट, क्रंची टेस्ट आए। तो ये जो आटा हमने भुना है वो भी इसी में हम डाल देते हैं।
और थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे हम। अब हम उसी कढ़ाई में, हमने आटा निकाल लिया है, उसी कढ़ाई में हमने ये 250 ग्राम गुड़ रखा है, तो इसे हमने थोड़ा सा कूट दिया था, तो इसे हम मेल्ट करेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ढीला हो जाएगा। और अगर आप ऐसे मेल्ट करके नहीं डालना चाहते हैं तो गुड़ को सीधे ग्रेड कर दीजिए, तो ग्रेड करने के बाद भी मिला दीजिए उसमें तो भी बन जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर मेल्ट करेंगे। और गुड़ की जगह पे आप अगर गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, लेकिन गुड़ बहुत अच्छा होता है जाड़ों में, तो गुड़ इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। देखिए हम बिना पानी डाले ही इसको पिघला रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दो चम्मच डाल देंगे, लेकिन वैसे हम पिघला रहे हैं ऐसे ही, तो इसे पकाना नहीं है बिल्कुल भी, बस सिर्फ इसे हमें हल्का सा मेल्ट करना है। तो दो चम्मच पानी मैं डालूंगी इसमें, तो दो तीन चम्मच पानी डाल देंगे हम इसमें, और इसे धीमी आंच पे हम पिघला लेंगे। तो देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस हमें बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है, ऐसे ही मेल्ट बस हमें यूज़ करना है। तो इसमें हमने 8-10 छोटी इलायची कूट के रखी थी वो हमें डाल देना है, और इसे मिक्स कर लेना है, बस गैस को बंद कर देना है। तो अब हमने जो सारा अपना मटेरियल बना के रखा है उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारा मेवा और जो आटा है इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसी में जो हमने ये गुड़ पिघलाया है उसे हम डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पौष्टिक हमारे ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। देखिए इन्हें इस तरह से हाथ से आप मिक्स कर लीजिए, बस अब इन्हें लड्डू का हम शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपने मनपसंद आकार में ये लड्डू इस तरह से बना के रख लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट काम करना होगा आपको, ताकि गुनगुने में अच्छे से लड्डू बना लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों तैयार हैं हमारे गोंद के लड्डू, और बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये, जाड़ों में आप एक बार जरूर इन्हें बनाइए, और एक लड्डू हर रोज आप खाइए तो पूरा जाड़े भर, पूरा सर्दी भर आप बिल्कुल एनर्जी से भरपूर बने रहेंगे, और बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने डाली है जो आपके किचन में ना मिलती हो, हर एक चीज़ किचन की है, तो बहुत आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। और दादी नानी लोग जो है ऐसे ही आटे के और गोंद के लड्डू घर में बनाती थी, जो कि बहुत ही हेल्दी होते थे। तो आपको अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप बनाइए इस तरह से गोंद के लड्डू, और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए सर्दियाँ। बाय बाय।